नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी जब से भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं तब से भारतीय जनता पार्टी का हर छोटा बड़ा नेता एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर देश समाज का ऐसा क्या टूट गया है जिसे जोड़ने के लिए श्री राहुल गांधी पैदल यात्रा कर रहे हैं। बीजेपी के इस सवाल के जवाब में एक अच्छी खासी किताब लिखी जा सकती है, 100-200 एपिसोड का सुपर हिट वेब सीरीज भी बनाया जा सकता है। फिलहाल मैं सिर्फ एक मुद्दे की ही बात आपके सामने रख रहा हूं जिसे जोड़ना बहुत जरूरी है। वो मुद्दा है अमीरी और गरीबी के बीच बढ़ रही खाई का। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की जो नीति है और जो नियत है, कैसी नियत है आप जानते हैं, उसकी वजह से आज अमीर और अमीर हो रहे हैं जबकि दूसरी तरफ गरीब और गरीब। इस बात को आप बस एक शख्स के उदाहरण से समझ सकते हैं, और वो कौन है शख्स? वो शख्स है प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और गृह मंत्री श्री शाह जी के नजदीकी दोस्त और धन्ना सेठ गौतम अडानी। जहां देश के एक आदमी की हर रोज की औसत कमाई 27 रुपए के करीब है, वहीं अडानी जी की एक रोज की कमाई आपको पता है? देश के प्रतिष्ठित अखबार जनसत्ता की इस रिपोर्ट पर गौर कीजिएगा। जनसत्ता की रिपोर्ट का शीर्षक है, गौतम अडानी ने बीते 6 दिन में हर घंटे कमाए 500 करोड़ रुपए, चीनी अरबपति को छोड़ा पीछे। कमाई का आंकड़ा एक बार और गौर से सुन लीजिए, हर घंटे 500 करोड़ की कमाई। जनसत्ता ने अपनी रिपोर्ट में 24 अगस्त से 30 अगस्त के बीच अडानी जी की कमाई का लेखा जोखा पेश किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 24 अगस्त से 30 अगस्त तक गौतम अडानी के नेटवर्थ में $10 बिलियन से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, यानी हर घंटे 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का इजाफा। रिपोर्ट के मुताबिक 24 अगस्त से 30 अगस्त के बीच अडानी की प्रॉपर्टी हर घंटे में 518.58 करोड़ रुपए बढ़ी है। मिनट में देखा जाए तो हर मिनट उनकी संपत्ति करीब 86 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। सेकंड में कमाई का आंकड़ा निकालेंगे तो वो आंकड़ा 14 लाख रुपए के करीब होता है, 1 सेकंड में 14 लाख रुपया। एक आम भारतीय की एक दिन की कमाई 27 रुपए, और सरकार जी के खासम खास अडानी जी की 1 सेकंड की कमाई 14 लाख रुपए। तो क्या अडानी जी के पास कोई जादू की छड़ी है जिसे वो घुमाते हैं और पैसा जो है वो बरसने लगता है, या फिर उनके पास कहानी वाले चिराग का जिन है जो उनका हुक्म पाते ही धन दौलत का अंबार उनके बैंक अकाउंट में जमा कर देता है, या फिर अडानी जी की वाकई इतनी काबिल बिजनेसमैन है जो वो अपने हुनर से 1 सेकंड में 14 लाख रुपए पैदा कर लेते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी इस बेशुमार कमाई की सबसे बड़ी वजह सत्ता से उनका बेहद खास और गोपनीय रिश्ता है। दोस्तों, यहां मैं आपको आंकड़ों के मकर जाल में नहीं ले चलूंगा, मैं आपको बेहद सीधे तरीके से बताता हूं कि अडानी जी कैसे सरकार जी की कृपा से अकूत धन संपत्ति कमा रहे हैं। ज्यादातर मामलों में अडानी जी की कमाई के हर चरण में उन पर सरकार की कृपा बरसती है, और ये विपक्ष आरोप लगाता रहा है, संसद में, सड़कों पर भी, बैंक से आसानी से मनचाहा लोन, उससे भी आसानी से सरकारी जमीन का आवंटन, उसके बाद करोड़ों की सरकारी संपत्ति का कौड़ियों के भाव में अडानी जी को दिया जाता है, और इसके बाद सरकार जी की कृपा आखिरी प्रक्रिया में अडानी का ज्यादातर कर्ज माफ कर दिया जाता है। यह विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है, मतलब एक तरफ से फ्री फंड में अडानी जी को अरबों की सरकारी संपत्ति दिया गया है। अडानी जी पर प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी की और कृपा कैसे और क्यों बरसती है, इस मुद्दे पर फिर मैं कभी विस्तार से चर्चा करूंगा। यहां पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अडानी जी का उदाहरण देकर अभी मैंने आपको जो देश में अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई का खाका दिखाया है, क्या उसे जोड़ा नहीं जाना चाहिए? क्या देश में आर्थिक समानता नहीं लाई जानी चाहिए? अगर आपका जवाब हाँ है तो अगली बार कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता, छोटा या बड़ा नेता, अगर ये सवाल करे कि श्री राहुल गांधी क्या जोड़ने निकले हैं, तो उनके एक औसत भारतीय की एक रोज की 27 रुपया कमाई और अडानी जी की 1 सेकंड में 14 लाख रुपए की कमाई की बात पर सवाल जरूर पूछिएगा। नमस्कार।